हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम केमिस्ट्री के जो एसिड बेसन सॉल्ट चैप्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अक्सर ये क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। स्टेटमेंट देख के देता है और ABCD आपको पहचानना पड़ेगा। कुछ रिएक्शन है, अगर रिएक्शन आपको पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, अच्छे से हम आपको बताएंगे ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन है कि एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ ए यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग। अब देखिए, यही जो व्हाइट वॉशिंग है ना, यहीं से आपको पहचानना पड़ेगा। व्हाइट वॉशिंग मतलब पुताई, घर का जो पुताई करते हैं किसका यूज करते हैं, चूना का। अब चूना का फॉर्मूला क्या होगा, वही होगा कैल्शियम ऑक्साइड। तो ए क्या हो गया हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो सबका कुछ ना कुछ क्लू लिखा रहता है। क्लू अगर आपको पता चल गया तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। व्हाइट वॉशिंग फॉर्म्स बी ऑन रिएक्शन विथ वाटर। अब देखिए, जो चूना होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, उसको पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कुछ बी बनता है। बी क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जिसको सिलेक्ट लाइम कहते हैं। बी ऑन रिएक्शन विथ वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ क्लोरअल्कली प्रोसेस। अब क्लोरअल्कली प्रोसेस आपको आपको बारे में आपको पता होना चाहिए। लास्ट वीडियो में हम इस क्लोरअल्कली प्रोसेस के बारे में बताएं क्या होता है कि NaCl जो ब्राइन सॉल्यूशन होता है NaCl का ना, NaCl का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते थे तो बनता है NaOH प्लस Cl2 और प्लस H2 बनता है। इसी को हम कहते हैं क्लोरअल्कली प्रोसेस। क्यों, क्योंकि एक तो क्लोरीन बनता है, साथ साथ एक अल्कली बनता है NaOH, इसलिए इसको हम क्लोरअल्कली प्रोसेस कहते हैं। तो वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ क्लोरअल्कली प्रोसेस। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप क्लोरअल्कली प्रोसेस के मतलब क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराइएगा, प्रोसेस डी फॉर्म्स ई, तो क्या बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर बनाएगा। ठीक है, विच इज यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ हम कई सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ग्रुप में करते हैं। करेक्ट, उसका दो यूज़ लिखिए। तब सिलसिलेवार तरीके से सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कीजिए। एन एक्के सॉल्यूशन ऑफ ए, ए हमारा क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, यही हमारा ए हो गया। इसका रिएक्शन हम कराते हैं पानी के साथ H2O के साथ, तो ये क्या हो जाता है हमारा, बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल ट्वाइस। ऑल राइट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये हमारा बी हो गया। ठीक है, इसी का यूज़ करते हैं व्हाइट वॉशिंग में। व्हाइट वॉशिंग में मतलब घर का जो पुताई करते थे चूना से ही पुताई करते थे। ठीक है, आजकल ना एशियन पेंट तो नैरोलैक आ गया है, तो ना जाने कौन कौन सा आ गया है। पहले तो बस सिंपली चूना और उसमें नील डाल के घर पुताई कर दिया जाता था। तो ए हमारा कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, बी हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। इसको क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइम कहते हैं, स्लेक्ड लाइम कहते हैं। ठीक है, स्लेक्ड लाइम नाम भी याद रखिए, कभी कभी नाम भी देता है। इसको क्या कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं। ऑल राइट, ठीक है, अब क्या है कि बी ऑन रिएक्शन विथ वाटर, मतलब वाटर के साथ ए का पानी के साथ रिएक्शन करा दिया, बनता है बी। ठीक है, अब देखिए कि बी ऑन रिएक्शन विथ वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ क्लोरअल्कली प्रोसेस। बी का क्लोरअल्कली प्रोसेस का प्रोडक्ट क्या क्या था, एक तो क्लोरीन बन रहा था, हाइड्रोजन गैस बन रहा था और सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था। तो यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब हम रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ, क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा देते हैं, तो ये क्या बनता है, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, इसको बोलते हैं, साथ साथ पानी बनता है। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन होता है एक प्रकार से। तो वही कह रहा है कि ये हमारा बी जो है, बी ऑन रिएक्शन विथ वन ऑफ द प्रोडक्ट क्लोरअल्कली प्रोसेस। क्लोरअल्कली प्रोसेस का एक प्रोडक्ट है ये, क्या इसी का नाम दे दिया ये, इसको कह रहा है कि इसको डी समझिए आप। ये डी हो गया हमारा, ये बी, ये डी हो गया। फॉर्म सी बनाता है ई, ई क्या हो गया हमारा, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, विच इज यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी ई का, ई क्या हमारा, ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर है। इसी का यूज़ हम क्या करते हैं, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यूज़ एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, इन इंडस्ट्री ऑल्सो राइट टू मोर यूजेज ऑफ ए, मतलब ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ लिखना है। तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ तो आपको ध्यान रहना ही चाहिए, क्योंकि NCERT में दिया हुआ है और क्वेश्चन यहाँ से पूछता ही है। तो देखिए, लिख लीजिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है। देखिए, सबसे पहले फॉर ब्लीचिंग, ब्लीच करने, ब्लीच मतलब साफ करना एक प्रकार से, ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन क्लॉथ, जो भी कॉटन या लाइनन का जो क्लॉथ होता है ना, इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। ठीक है, दूसरा यूज लिख लीजिए फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प, वुड का जो पल्प होता है, लकड़ी का जो लुगदी होता है दोस्तों, वुड पल्प। ठीक है, इन पेपर इंडस्ट्री में पेपर कैसे बनता है, तो लकड़ी से ही पेपर बनाया जाता है। लकड़ी का कलर सोचिए कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है, और उसे हमको व्हाइट पेपर बनाना है तो उसको पहले ब्लीच करना पड़ेगा इन पेपर इंडस्ट्री, तो पेपर इंडस्ट्री में ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है। तीसरा तो यही है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज़ करते हैं बहुत सारे इंडस्ट्री में। और फोर्थ क्या है इसका, डिसइनफेक्ट वाटर
टू मेक इट जर्म फ्री, मतलब पानी को जर्म फ्री बनाने के लिए, ठीक है, उसमें हम क्लोरीन मिला देते हैं या ब्लीचिंग पाउडर मिला देते हैं तो पानी हमारा साफ हो जाता है, ठीक है। इसलिए जो सप्लाई वाला पानी होता है उसमें देखिएगा क्लोरीन का हल्का फल्का टेस्ट आते रहता है, क्योंकि उसको ब्लीच किया रहता है, जर्म्स उसको उसको मारने होता है। इसलिए तो आसान क्वेश्चन था, अगर सबके बारे में पता है, व्हाइट वॉशिंग में किसका यूज़ करते हैं, चूना का यूज़ करते हैं, चूना का क्या फॉर्मूला होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, तो आप बना सकते थे। क्लोरोअल्केली प्रोसेस, यदि आपको पता है कि NaCl का जो ब्राइन सॉल्यूशन होता है उसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करा देते तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन और हाइड्रोजन बनता है, क्लोरीन बनता है एनोड पे और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है कैथोड पे, ठीक। ब्लीचिंग पाउडर का यदि फॉर्मूला आपको पता होता उसी का यूज़ करते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये क्वेश्चन मतलब लल्लू था, ठीक है दोस्तों। इसको अच्छे से कीजिए और एक से दो बार बनाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन आप मान के चलिए कि 100% बोर्ड में आएगा ही आएगा। और इस एक और क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे, एक और क्वेश्चन हम करेंगे, सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको देख लीजिए अच्छे से, ताकि ये तीनों क्वेश्चन अगर आपको पता है तो जो सॉल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको जो हिडन क्वेश्चन आता है ABCD को पहचाने, XY को पहचाने, आप यहाँ से कर पाएंगे। यदि एसिड बेसन सॉल्ट चैप्टर पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं मेरा वीडियो अच्छे से। नहीं तो आपको पर्सनली हमसे पढ़ना है तो आप ये हमको कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पर्सनली पढ़ाएंगे, ठीक है दोस्तों, हम आपस में बात कर लेंगे। तो कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।